अर्थप्रकाश देख रहे हैं तमाम भाई बहनों को, डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, आज हम फिर लेकर आए हैं किसान आंदोलन अपडेट। जैसे आपको पता है कि किसान आंदोलन का 9वां दिन है और 7वें और 8वें दिन और में क्या क्या हो हम आपको तरतीब भाई बताते हैं। जैसे आप सबको पता है कि किसानों ने पूरी तरह से दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है और सरकार भी अब कुछ हद तक सीरियस है कि वो भी चाहती है कि ये आंदोलन जल्दी से जल्दी इसका कोई सलूशन निकले। और उसको देखते हुए किसानों की कल मीटिंग फिर दोबारा से बुलाई गई, जो केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री तोमर जी के अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई, उसके अंदर किसान कमेटियां वहां पर गई और उन्होंने विस्तार पूर्वक बात की। लेकिन कुछ मुद्दों पर फिर असहमति किसानों की वैसी बनी हुई है और किसानों ने आज 5वें दौर की वार्ता एक आज होगी और ये लगता है कि आज ये लगता है कि ये वार्ता कुछ सुखद माहौल के अंदर होगी और ये भी मीडिया किसानों की काफ़ी हद तक बातें इसमें मानी जा सकती हैं। लेकिन किस तरह से मानी जाएंगी ये इस मीटिंग पर डिपेंड करता है किसान। और इस बीच में सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि किसानों ने किया 8 दिसंबर को बंद का ऐलान और उसके बाद जैसे ही कल मीटिंग खत्म हुई किसानों के सभी संगठन एकत्रित हुए और वहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि 8 दिसंबर को हम भारत बंद का ऐलान करेंगे। और इसको जैसे उन्होंने ये कहा और उसके बाद में उनके जो लीडर हैं और किसान हैं उनके कुछ संगठनों के मन में अभी भी सरकार के प्रति रोष वैसा का वैसा है। वो अभी भी कह रहे हैं कि हम MSP पर कोई समझौता नहीं करेंगे और यहाँ तक किसानों ने ये भी कह दिया है कि विशेष स्तर बुलाकर लोकसभा का इस जो किसानों की हम बात करें किसानों जो किसान जो सोचते हैं इस बिल के बारे में कि इस काले कानून को रद्द किया जाए देश से। और इसी बीच में जैसे हमने आपको बताया था लास्ट अपडेट में कि विदेशों में भी किसान आंदोलन की बातें चलनी शुरू हो गई हैं। वहाँ से भी जैसे आपको पता है कि पंजाब के मैक्सिमम किसान फॉरेन के अंदर हैं तो वहाँ से भी प्राइम मिनिस्टर कनाडा का एक स्टेटमेंट आई थी किसान आंदोलन को लेकर, जिसको भारत सरकार ने बहुत सीरियस लिया और कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब किया और उन्होंने ये कहा कि ये हमारा आंतरिक मामला है, प्राइम मिनिस्टर कनाडा को ये बता दिया जाए। अगर कोई इस तरह से बयानबाजी होती है किसानों के आंदोलन को के बीच में तो इससे भारत और कनाडा के रिश्तों के अंदर व्यापक असर पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे कल को, अब आप पार्टी दिल्ली में क्योंकि आपकी सरकार है, क्योंकि हर सरकारें इसमें कोशिश करी, हम ये नहीं कह रहे कि कोशिश नहीं करी, अब वो वक्त आ गया कि किसान सरकार भी कोशिश करी है कि इस समस्या का हल कुछ ना कुछ जरूर निकले, क्योंकि किसान आंदोलन के कारण अर्थव्यवस्था पर, इंडस्ट्री पर, लोगों की आवाजाही पर और सबसे मेन बात है जो कोविड है, COVID-19 जैसे मरीज बढ़ रहे हैं, इन सभी की चिंताएं सरकार को है। और उसके बीच में एक नया बात कल एक आई कि सुप्रीम कोर्ट ने किसने याचिका दर्ज की थी कोविड के कारण किसान इकट्ठा हो रहे हैं, इसमें और मरीज बनने की आशंका है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आप इसके बारे में कोविड के बारे में नियमों का पालन करें किसान संगठनों को। अब हम बात करेंगे और जैसे कल को आपको पता है कि हम पंजाब में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संगरूर से भगवंत सिंह मान ने आपके दूसरी बार आप पार्टी से MP हैं संगरूर से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंडीगढ़ में और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बयान दिए हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, भगवंत मान जी की वीडियो। और उसके बाद अब हम बात करेंगे कि पद्म भूषण जो एक सम्मान होता है जो केंद्र सरकार देती है, लेकिन किसानों ने जो किसान लीडर जैसे आपने परसों देखा था सरदार प्रकाश सिंह बादल जो श्रोमणी अकाली दल के सबसे सीनियर लीडर हैं और हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बुजुर्ग हम कह सकते नेता हैं, उन्होंने भी किसानों के प्रति अपना स्टैंड रखते हुए अपना ये अवार्ड वापस कर दिया। उसके अगले दिन ही सुरेश सिंह ढींडसा उन्होंने भी अपना ये पद्म भूषण अवार्ड वापस कर दिया। इसको देखते हुए बहुत से खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी बहुत किसान हैं जो लीडर जिनको दिए गए थे, यानी इस तरह का वो केंद्र सरकार का जो सम्मान था वो वापस करने का सिलसिला इसी तरह से आगे आगे जा रहा है। अब हम एक और कड़ी इसके अंदर कि किसान उन्होंने 8 दिसंबर को बंद का ऐलान किया और इसी बीच में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिमी बंगाल यहाँ पर कल एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि इसमें
इस आंदोलन के अंदर एक बड़ी बात देखने को मिली कि पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी फोन करके किसानों को ये जताया कि हम भी उनके साथ है, कंधा से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में। और उसके बाद हम आगे चले, अब बात है कि 8 दिसंबर का जो बंद है, 8 दिसंबर अगर आज भी वार्ता में कोई सलूशन नहीं निकलता तो 8 दिसंबर को जो बंद होगा वो बहुत ही एक व्यापक तरीके से होगा, जैसे किसान संघर्ष कमेटियाँ कह रही हैं। और इसके अंदर जो भारत, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि विपक्ष ने, कांग्रेस ने अपना स्टैंड बता दिया है, आज हम फिर कह रहे हैं कांग्रेस ने स्टैंड बता दिया है, विपक्षी पार्टियों ने स्टैंड बता दिया है, लेकिन जो दुविधा की स्थिति होगी वो उन पार्टियों के लिए होगी जो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन की सरकारें हैं, वहाँ पर जो उनकी सहयोगी पार्टी हैं उनका क्या रुख होगा। अब हम यहाँ पर फिर हम जजपा की बात करेंगे, जैसे जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने अपने बयान में स्पष्ट कह दिया है और पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कह दिया है जो स्टेट के हैं कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों को का जो मांगे हैं उसका जल्द से जल्द केंद्र सरकार को निपटारा किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि MSP पर अगर किसानों को कोई दिक्कत है तो उसके अंदर उसको ख़त्म करने की उसकी एक लाइन अगर कहते हैं तो ऐड कर दी जाए, यानी उन्होंने अपना ये स्टैंड बता दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से। लेकिन 8 दिसंबर को अगर ये वार्ता आज विफल होती है, 8 दिसंबर को उनको भी कुछ ना कुछ स्टैंड देना पड़ेगा, क्योंकि 8 दिसंबर को उनको बताना पड़ेगा कि वाकई ही वो किसानों के साथ है। ये भी दुविधा बहुत बड़ी होगी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियों के लिए कि वो किस तरफ जाती हैं, ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी 8 दिसंबर को काफ़ी हद तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी किसानों को भी कि सहयोगी पार्टियाँ जो ये कह रही हैं आज तक कि हम किसानों के साथ हैं तो किस हद तक वो किसानों के साथ होंगी। तो इस तरह से जब ये बात चली तो अपने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो जब बिल बनाया गया तो हमने एक एक बात पर डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो हम इसको ठीक करने के लिए तैयार हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे, आज फिर हम वही बात करेंगे कि किसानों के मन में जो डर है वो डर ये है कि MSP लागू होनी चाहिए, और दूसरी बात जो मंडियां हैं वो ख़त्म ना हो जाए। उनके मन में एक और डर है कि ये बिल कॉरपोरेट जगत को देखते हुए बनाया गया है। ये तीन बातें उनके जहन से नहीं निकल रही हैं, इसको निकालने के लिए भी आज लगता है कि आज की जो मीटिंग है जो हो रही है उसके अंदर भी ये उम्मीद कर सकते हैं हम कि उसके अंदर इस तरह का जो उनके मन में भय है उसको भी दूर करने के लिए सरकार कुछ हद तक अपने ये कदम उठाएंगी ताकि भविष्य के अंदर ऐसी कोई दिक्कत ना हो। तो ये मेरी डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा की किसान जो आंदोलन की अपडेट है, जो आज 5वें दौर की वार्ता हो रही है और किसान आंदोलन का 9वां दिन है, उस पर अब तक की जो अपडेट है मेरी डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा की। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।